भाइयों और बहनों, राष्ट्र रक्षा के लिए लड़ना, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित होना सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री, ये सुनकर के आप चौंक जाओगे। मुझे मालूम नहीं है, नई सरकार बनने के बाद मीडिया वाले कुछ लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, मुझे पता नहीं है। उनकी तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए शायद ये बात न भी छपी हो, आगे भी छपेगी नहीं कि मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं, कर्नाटका में एक मुख्यमंत्री जो सरकार कांग्रेस चलाती है, उस मुख्यमंत्री ने एक गंभीर प्रकार का बयान दिया है, और न ही वो माफी मांग रहे हैं, न ही कांग्रेस पार्टी माफी मांग रही है, न कांग्रेस के नामदार माफी मांग रहे हैं, न ही उनके चेले चपाटे कांग्रेस को सवाल पूछ रहे हैं। क्या पाप किया है मैं बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? कांग्रेस का जवाब मांगोगे? हर कांग्रेसी का जवाब मांगोगे? ये कर्नाटक की कांग्रेस जो सरकार चला रही है, उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जो जवान जाते हैं वे भूखे मरते हैं, दो टाइम खाने के लिए रोटी का पैसा नहीं है, इसलिए वो सेना में जाते हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये हमारी देश की सेना का अपमान है कि नहीं? वीर जवानों का अपमान है कि नहीं? उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं जिन्होंने वीर बेटों को जन्म दिया? उन मां का अपमान है कि नहीं है? क्या जान हथेली पर लेकर के दुश्मनों की छाती पे गोलियां दागने के लिए मां के पैर छू करके जो सीमा पर जाता है, यूनिफॉर्म पहन करके दिन रात ड्यूटी करता है, उसकी आंखें दिन रात दुश्मन को तलाशती रहती है, क्या ये भूखा मर रहा है इसलिए कर रहा है? पेट की खातिर लेकर सेना में जाते हैं? अरे वो रोटी खानी है तो पत्थर पे लात मार करके रोटी कमा सकता है, वो तो गोली खाने के लिए जाता है, मां भारती के लिए जाता है। हमारी रक्षा करने के लिए, भारत मां की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जवानों का यह अपमान मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? आप सहन कर सकते हैं? तो इसका जवाब मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? उनको सजा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, ये चुनाव मौका है देश के इस प्रकार से अपमानित करने वालों को सजा करने का। साथियों, इसी सोच का परिणाम है कि कांग्रेस के राज में आतंकवादी देश में मौत का खुला खेल खेलते रहे और पाकिस्तान ऊपर से नाचता रहा, हमारी मजाक उड़ाता रहा। लेकिन भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान ये सहन नहीं करेगा। करना चाहिए क्या? ये आतंकवादियों का जुल्म सहना चाहिए क्या? आतंकवादी मर्जी पड़े वहां गोली चला दे चलाने देने चाहिए क्या? बम तो फोड़ दे देने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, अब आतंकवादियों को पता है कि अब अगर गलती की तो ये मोदी है। पाताल से भी आतंकवादियों को खोजेगा
और फिर घर में घुस करके मारेगा।